हेलो। हेलो। हाँ प्रवीण, राधे राधे सर जी। राधे राधे। वही फिजिकल हुआ? फिजिकल हाँ सर जी, हो गया क्लियर? जी सर। थैंक चलो भाई, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। यू सो मच सर, सब आपकी कृपा है, आपका ही हाँ, आशीर्वाद है। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हम तो बस एक नहीं माध्यम। सर, वो क्या कहते हैं, नजरिया तो आपने दिखाया था सर, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो देख के। चलो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा बोलता है। अच्छा ये बताओ, कौन सा SSB का था ना तुम्हारा? जी सर, SSB ट्रेड में बार बार लखनऊ SSB ट्रेड में बार बार। अच्छा, बार बार के स्टार्ट हो गए हैं। तुम्हारा कौन सा सेंटर है? मोहनलालगंज। लखनऊ मोहनलालगंज। तो ये बताओ कि बच्चे कितने पहुंच रहे हैं यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए, और सॉरी फ्री फिजिकल के लिए? कल सर कम ही पहुंच रहे हैं। कल हमारे जो बारवर और बासरमैन दो लोगों का था, तो मुश्किल से ऐसे 250 बच्चे होंगे लास्ट। अच्छा, जो जो क्वालिफाई हुए होंगे, जी सर, और नहीं टोटल टोटल 250 के करीब टोटल 250 के करीब थे, और बुलाए तो मुझे मुझे लग रहा है कि 1,000 के आसपास बुलाए जा रहे हैं थे। हाँ 1,000 आप बुला रहे थे, लेकिन 250 आए थे दोनों ट्रेडों के दोनों ट्रेडों उस। के। और हाँ आज कितने पहुंचे होंगे? आज बहुत कम है सर, कल से भी कम है आज तो। पता अच्छा, ये क्या हो रहा है भाई? नहीं, पूछने पर ये लोग बताते हैं कि कुछ लोगों, मतलब 2 साल बाद आइए ना, तो कुछ लोग हैं जो लग चुके हैं किसी ना कहीं ना कहीं, चलो, और कुछ हाँ को पता ही नहीं है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं, ये बात तो है, ये बात और कुछ लोगों की तैयारी नहीं है, जिनको पता है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं लेकिन उनकी तैयारी नहीं है, वो वैसे भी नहीं आ रही। अच्छा। चलो कोई नहीं, आइए बताओ, मोहनलालगंज का जो तुम्हारा ये सेंटर है, यहाँ पे क्या क्या अभी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक किए जा रहे हैं? ओनली एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। अच्छा, मतलब और कोई अदर डॉक्यूमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं? नहीं सर, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये हमने पूछा था कि और कोई डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं ले रहे जी फौजियों से, तो बोल रहे थे कि डीवी नहीं है, ओनली पीईटी और पीएसटी है। डीवी होता है ना वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अच्छा, वो ट्रेड सेट के ट्रेड के समय होगा। हाँ वो ट्रेड के साथ है। चलो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब फिजिकल क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है ना, सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत आ जाती। हाँ वो सर्टिफिकेट जो, हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलो अच्छी बात है। अभी नहीं है सर, अभी तो बस आओ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखाओ और बस हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। चलो अच्छी बात है। और ये बताओ कि रनिंग रनिंग कैसे है वहां पे मोहनलाल का, जो है यहाँ पे ग्राउंड कैसे ग्राउंड? ग्राउंड है सर, ग्राउंड बहुत अच्छा है सर, अच्छा, कितने एकदम नंबर? प्लेन है, जैसा चाहो वैसे भाग सकते हो। अच्छा, कितना, एक ही राउंड है कैसे है? नहीं 400 का है ग्राउंड, उसके 12 चक्कर लगाने हैं। 12 चक्कर लगाने हैं? जी ओके, सर, चलो तो अच्छी बात है। टाइम पूरा मिल रहा है 24 मिनट। अच्छा, और फीमेल कैंडिडेट भी हैं कि मतलब मेल ही नहीं सर, कैंडिडेट? फीमेल फीमेल नहीं है यहाँ पे। हाँ अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है कि रनिंग में दिक्कत नहीं आ रही। फिर भी बच्चे तो बाहर हो ही रहे होंगे भाई रनिंग सर, रनिंग में बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं, हम जैसे 50-50 का ग्रुप भगा रहे हैं, में। तो 50 भगाए थे, उसमें से हमारे में 23 पास हुए हैं ओनली। और ऐसे मतलब जो राउंड की काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, जो फौजी लोग हैं वही कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से हो रहा? एक फौजी को 3 बच्चे दिए हैं कवर करने के लिए, अच्छा, एक फौजी 3 बच्चों को कवर कर रहा है, वो जैसे आधा मिनट होता है ना, जैसे 24 मिनट है तो 12 मिनट हो जाएगा ना, तभी वो इस अनाउंस कर देते हैं कि आपके 12 मिनट हो चुके हैं, और राउंडों को वो गिन रहे हैं फौजी, फौजी अच्छा, खुद काउंट करते हैं राउंड और बता देते हैं कि तेरे इतने हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक चक्कर लगाया है और वो बताएगा कि हाँ भाई तेरा एक हो गया, ऐसे नहीं, लास्ट पे अच्छा बताते हैं वो सिर्फ अच्छा कि बारह तेरा लास्ट राउंड है। हाँ ओके लेकिन वो तो अपनी तरफ काउंटिंग करते रहते हैं ना, वो तो बताएंगे हाँ तुमने सर, कि नहीं? वो हाँ वो लिखते रहते हैं, उनके नोटबुक होती है और पेन होता है, उससे काउंट करते हैं, लिखते हैं तुरंत, चेस्ट अच्छा नंबर के हिसाब से काउंट करते हैं वो। अच्छा ये बताओ कि सेंटर पे अभी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जैसे कि प्रीवियस के कोई बच्चे आ रहे हैं तो उनको लेने दिया जा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? हाँ खूब लेने दे रहे हैं सर, इसमें क्या है ना, कल प्रीवियस वाले भी आए थे, और जिनका मतलब SSCGD का एग्जाम है, हाँ और भी किसी का जो CISF हेड कॉन्स्टेबल चल रहा है ना अब, हाँ 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 कुछ लोग आ रहे थे कि सर हमारा उस दिन था वहां नहीं पाए, तो वो कर रहे हैं, उनको ले ले रहे हैं आराम से। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, क्योंकि इसी चीज को लेके बच्चे परेशान चल रहे हैं, कई रिक्रूटमेंट के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो इसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ सर, चलो ठीक है, लखनऊ का सेंटर तो फिर तो बढ़िया है इन सब चीजों को लेकर के। जी सर, बढ़िया है सर। और ये बताओ कि वहां पे
ये डॉक्यूमेंट्स में ये बताओ कि मतलब जैसे कि किसी का जैसे कि ये होता है ना कि किसी का नाम वगैरह में कोई मिस्टेक है, तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है तो। नहीं सर, मैंने आपको बताया था ना मेरे भी एक प्रॉब्लम है, हो गया वो, कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, मतलब देख ही नहीं रहे, कहने का मतलब। नहीं देख रहे कुछ। मैंने तो आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी ना उस दिन। हाँ, मुझे पता है। तो अब इसका हाँ मतलब ट्रेड ट्रेड टेस्ट के समय ही जो होगा होगा, हाँ ट्रेड टेस्ट के टाइम पे देखेंगे, ट्रेड टेस्ट के समय पे। अभी तो एग्जाम होगा इसके बाद। एग्जाम का पूछा था हम लोगों ने कि एग्जाम कब है, बोल रहे थे कि अभी तो फिजिकली चलेंगे फरवरी फरवरी तक, तो हाँ उसके बाद शेड्यूल बनाया जाएगा, कम से कम 2-2.5 महीना लग जाएगा एग्जाम में। अच्छा, तो ये बताओ, तुमने पूछा उस सेंटर पे कब तक फिजिकल चल रहे हैं? ये लोग बता रहे थे कि 3-4 तारीख में कोको वालों के, और ये जो रह गए ना अभी वाशरमैन, ये नहीं वो सफाई वाला, इन लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे कह रहे थे, 4-5 तारीख में आ जाएंगे एडमिट कार्ड। और अभी ये बता रहे थे कि 23-24 फरवरी तक चलेगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब इनके एडमिट कार्ड आने वाले हैं फरवरी में। हाँ इनके फरवरी में बता रहे थे ये लोग। हमने पूछा था कि जो बाकी की जो ट्रेड बची है इनके कब आएंगे, तो कह रहे थे कि 4-5 तारीख के समथिंग आ जाएंगे। अच्छा, ये तो फरवरी लास्ट तक फिजिकल चलने वाले हैं, मतलब कुक वालों के। हाँ फरवरी तक चलेंगे फिजिकल, ये लोग बता रहे थे कल। नई नई जानकारी होगी तभी तो बता रहे हैं, जब सेंटर पर तो उनको उनकी लिस्ट पहुंच चुकी होगी ना। हाँ इनको सब पता होता है सर। चलो, फिर तो ये अच्छी बात है। और ये बताओ, हाइट वाइट में कोई दिक्कत आ रही है वहां पे? टाइट हाइट तो थोड़ा टाइट नाप रहे हैं सर नाप रहे हैं। जी, मेरा तो है 1-1.74 बैठा रहा था, हाँ, मेरा तो क्लियर था। मुझे चेस्ट में भी थोड़ा डाउट था, लेकिन चेस्ट तो माशाल्लाह गजब ना भी है। हाँ मतलब टाइट कर दे रहे हैं, कहने का मतलब। हाइट को थोड़ा टाइट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, मतलब फिर भी ऐसा भी नहीं है कि 174 है तो 173 नहीं कर रहे होंगे, ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे आई थिंक। नहीं सर इतना नहीं है, जिसकी है उसकी है, लेकिन जिसकी ज्यादा ही कम है हाइट में भी चांस दे रहे हैं। चांस दे रहे हैं वो, चेस्ट वगैरह में भी चांस दे रहे होंगे। हाँ 3-3 चांस दे रहे हैं सब चीज में। कुछ लोग थे कल जैसे हाइट में फेल हो गए ना, हाँ, तो हाइट में फेल होने के बावजूद भी सबसे पहले देखो हाइट नाप रहे थे ना, उनको पता है कि ये नॉट क्वालिफाई है, तब भी उसका चेस्ट नापा गया और वेट नापा गया, उसके बाद उसको अलग बैठा दिया कि ये नॉट क्वालिफाई है। अच्छा थोड़ी देर बाद अच्छा ये बताओ, वेट वगैरह भी ले रहे हैं ना? अच्छा, हाँ वेट ले रहे हैं, ओवर वेट में भी निकाल लेते हैं। हाँ नहीं अभी तो नहीं निकालेंगे, लेकिन वो तो जो मेडिकल हो ना, मेडिकल के समय दिक्कत आ जाती है। हाँ सेंटर अच्छा है और यहाँ की फोर्स तो बहुत अच्छी है। और ये बताओ, कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे मतलब फाइनली? कल हमारे बैच में या टोटल? टोटल? अच्छा, टोटल यहाँ पे ऐसा 73 के समथिंग पास हुए थे। हमको और कब तक फिजिकल चला था, कितने बजे तक? 3 बजे बाहर कर दिया था सब लोगों को, 3 बजे सेंटर खाली हो गया था सारा। अच्छा, भी तो कुछ फोटो वगैरह भी लग रही है क्या? फोटो नहीं सर, फोटो एक भी नहीं लिया इन्होंने, चलो लेकिन ठीक। ग्रुप के साथ फोटो लेते हैं, जैसे रनिंग की, हाँ रनिंग हाँ में क्वालिफाई हो वो गए। तो ठीक है, मतलब जैसे कि बच्चे अपना अपना पर्सनल लेके जाए, हम जैसे छोटे फोटो मांगे उन्हें, पासपोर्ट साइज की नहीं जरूरत नहीं 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 पड़ती। नहीं नहीं कुछ नहीं,